तो गाइस अभी मिर्जापुर आए थे एंड यहाँ पे हमको गियर बॉक्स नहीं मिला। वो चाहिए था गियर बॉक्स, वो नहीं है, नहीं है यहाँ पे। जो गियर बॉक्स चाहिए यहाँ पे नहीं मिलेगा। ये ना इस गियर बॉक्स ने परसेंट का रख दिया है, दिमाग की क्या माका नाका चाका कर दिया है। सो हे गाइस, व्हाट्स अप, कैसे हो आप लोग? आई होप कि आप सब लोग अच्छे हो गए। कि हमने परसों जो गाड़ी का इंजन था वो निकाल लिया था, उसको बाइक मॉडिफाई जो करना है उसका गियर बॉक्स नहीं मिल रहा था। तो बहुत जगह पे गियर बॉक्स का बात किया हुआ है। आज देखने के लिए जाएंगे अहमदाबाद में मिर्जापुर मार्केट में, वहाँ पे गियर बॉक्स है एंड गियर बॉक्स भी चेक करके लेना पड़ेगा। तो जाएंगे, चेक करेंगे, लेके आएंगे। तो अभी 10 बजे हुए एंड अपन आज थोड़ा जल्दी निकल चुके हैं, क्योंकि क्या है कि यहाँ पे जो रास्ता है बावला से आसेजन का जो रास्ता है वो 1 घंटे का रास्ता है एंड 1 घंटे में बहुत सारे कॉल आते हैं मेरे फ़ोन में, तो मैं कॉल रिसीव नहीं कर पाता। तो इसके लिए मुझे इंटरकॉम चाहिए। मेरे पास इंटरकॉम है बट अभी क्या क्यों ख़राब हो चुका है, इसके लिए मुझे नया इंटरकॉम लेना है। तो अभी जाएंगे पहले बाइक का स्टूडियो पे तेजस भाई के वहाँ पे एंड फटाफट इंटरकॉम लेके निकलेंगे अपन सीधा हाथीजन एंड गियर बॉक्स ढूंढने के लिए। तो गाइस मज़ा बहुत आने वाला है एंड हाँ, मीनू भाई को मिल के जाते हैं। चलो, नहीं मीनू भाई अभी तक नहीं आए, गाइस मीनू भाई अभी तक नहीं आए वरना मिल के जाता, बट लेट हो रहा है, फटाफट जाना पड़ेगा। मीनू भाई को शाम को मिल देंगे। तो चलो अभी फटाफट कि अपन बाइक का स्टूडियो पे आ चुके हैं। तेजस भाई गुड मॉर्निंग, कैसे हो? गुड मॉर्निंग, बस बढ़िया। बाइक का स्टूडियो पे तेजस भाई के वहाँ से मैंने जो मुझे इंटरकॉम लेना था वो ले लिया। देखो तेजस भाई ने फिटिंग करके दिया। और एक बात की, तेजस भाई ने ये शॉप की वेबसाइट लॉन्च की है एंड एप्लीकेशन भी लॉन्च की है, bikerstudio.com करके वेबसाइट और एप्लीकेशन, एंड एप्लीकेशन में वही नाम है। तो आपको भी ऑनलाइन ऑर्डर करना तो बैठे बैठे भी आप ऑर्डर कर सकते हो वेबसाइट पे एंड एप्लीकेशन में भी, तो ऑर्डर जरूर करना है। पूरे गुजरात में हमने फ्री डिलीवरी कर दिया है, गुजरात में कहीं से भी आप फ्री में, वही डिलीवरी चार्ज पे नहीं करना है आपको। आपको यहाँ पे आके देखने की जरूरत ही नहीं कि वो दिखा वेबसाइट है, करो एंड ऑर्डर करो वहीं से। जब ये ऐसा लगे कि साइज इश्यू है तो आप रिटर्न कर दो, तो चेंज रिटर्न पॉलिसी भी है। एंड गुजरात से बाहर से है तो कोई गुजरात के बाहर से वन इंडिया डिलीवरी है, मगर उसको चार्ज पे करना, गुजरात के बाहर से तो आपको पे करना पड़ेगा, जो शिपिंग चार्ज होगा वो। तो गाइस मैं वेबसाइट एंड एप्लीकेशन की लिंक दे दूंगा, आप जाके चेकआउट जरूर करना। तो अभी बाइक का स्टूडियो से निकल चुके हैं एंड फटाफट जा रहे अपन सुहेल भाई के शॉप पे। 12:30 बज चुके हैं, लेट हो गया। मुझे लगता है कि मिर्ज़ापुर जाना पड़ेगा इसका चेंसेस बनाने के लिए। वसीम भाई को आता है बट क्या है कि वसीम ने बोला कि मैंने कभी पहला चेंसेस बनाया नहीं है, बना तो दूँ बट उतना बैलेंसिंग नहीं आएगा, तो जो भी पहला चेंसेस बनाता हो उससे ही करवाना पड़ेगा क्योंकि तभी इसका बैलेंस आ सकता है इसके लिए। चलो तो वैसा करना पड़ेगा, मिर्ज़ापुर जाना पड़ेगा एंड एक बार ड्राइव भी करेंगे अपन। मिर्ज़ापुर में मिल जाए गियर बॉक्स तो अच्छा है, नहीं तो बोटा से मंगवा देंगे। तो चलो फटाफट, ये प्लान को जैसे किया हुआ हमने, सुहेल भाई की गैरेज आज बंद है, तो चलो कोई नहीं घर पे आ गए एंड यहाँ पे यहीं से हमने प्लानिंग कर दिया कि अपन जाएंगे मिर्ज़ापुर, जो हमको चाहिए गियर बॉक्स ढूंढ के आएंगे, चेंचेस बनाना है वो भी बात करके आएंगे। मतलब आज तो कुछ भी करके हमारा जो काम है वो कंप्लीट करना ही है, क्या सुहेल भाई? आज तो कर ही देंगे पक्का। अब आओगे? नहीं नहीं, भाई की शादी होने वाली है। अपनी बाइक में डबल सीट है ना, इसके लिए वो यहीं पे रहेगी अपनी हल्क एंड यही वाली बाइक लेके जाएंगे। सुहेल भाई की नाम क्या रखा है बाइक का अभी? रखी है। तो गाइस सुहेल भाई की नई V3 है, इसका नाम क्या रखे है कमेंट जरूर करना, नाम रखना है बाइक का। तो आरंभ भाई V3 का, सुहेल भाई की बाइक का नाम क्या रखे कमेंट करो फटाफट, जो भी अच्छा लगेगा वो पिन करेंगे एंड वही रखेंगे। तो गाइस अपन कबाड़ी मार्केट आ चुके हैं। तो गाइस अपन मिर्ज़ापुर जाने वाले थे, मिर्ज़ापुर तो जाएंगे बाद में, पहले तो यहाँ पे चक्कर लगा लेते हैं कबाड़ी मार्केट में, बेरमपुरा वाला यहाँ पे मिल जाए तो अच्छा है, नहीं तो मिर्ज़ापुर तो है ही, मिर्ज़ापुर में नाम करो तो कोई नहीं, बोटा तो है ही, है तो बहुत सारा रास्ता बट हमको ढूंढना है। तो यहीं से पूछताछ करते करते जाएंगे। नहीं मिलेगा ऐसा बोल रहा है, आगे करते पूछताछ। तो कैसे यहाँ पे मार्केट में आए थे कबड्डी मार्केट में, यहाँ पे जो गियर बॉक्स चाहिए यहाँ पे नहीं मिलेगा, ट्राई किया एक दो दुकान पे नहीं है, तो चलो अभी जाएंगे सीधे मिर्ज़ापुर।
मिर्जापुर वहाँ पे मिल जाएगा। था चलो अभी निकलते सीधे मिर्जापुर, वहाँ पे देखते हैं मिल जाए तो अच्छा है। मेरा टायर इसके पास टायर देता नहीं है मेरा यार, मेरे आरएस में लगाना है, आरएस में लगाना है। तो गाइस अभी मिर्जापुर आए थे एंड यहाँ पे हमको गियर बॉक्स नहीं मिला, तो यहाँ पे दूसरा एक मार्केट है वहाँ पे जाएंगे। तो गाइस मिर्जापुर में मार्केट में यहाँ पे हमको गियर बॉक्स नहीं मिला, चलो कोई नहीं यहाँ पे भी कबाड़ी है वहाँ पे देख के आएंगे, मिल जाए तो अच्छा है। तो यहाँ पे चेक करके आएंगे, मिल जाएगा तो अच्छा है। चलो नहीं है वो चेंजेस क्या बनेगी, यहाँ पे गियर बॉक्स नहीं है, अभी जाना पड़ेगा। दूसरा भी एक एड्रेस दिया हुआ है समीम भाई ने, वहाँ पे जाएंगे एंड चैचिस जो बना नहीं है वो भी यहाँ पे देख लेंगे। तो गाइस यहाँ पे हमको और एक एड्रेस दिया हुआ है रायपुर का, तो वहाँ पे जाएंगे। कहीं पे भी एड्रेस दो, जाना तो पड़ेगा, सामान चाहिए हमको। तो चलो गाइस ये भाई से बात किया हुआ है, देखो वो भाई बोल रहे कि दो दिन बाद, बट हमको अभी चाहिए। तो गाइस यहाँ पे अमित भाई करके एक भाई थे, वो भाई से बात किया, बोला कि एक दो दिन में मिल जाएगा बट हमको आज ही चाहिए। तो आज तो पॉसिबल नहीं ऐसा बोला है एंड देखो मार्केट भी बंद है, देखो सब शॉप देखो बंद है, दो दिन बाद खुलेगा ऐसा बोला है। क्या कर रहे हैं, मतलब वीडियो बनानी आपके लिए, सामान चाहिए, सब कुछ करना है, कैसे करेंगे, हो जाएगा चलो कोई नहीं। और एक बात की सुहल भाई के अंदर कॉल आया कि हम जो पहले मार्केट में गए थे वहाँ से कॉल आया कि यहाँ पे गियर बॉक्स पड़ा है बट उसमें क्लच नहीं है साथ में। तो चलो कोई नहीं, गियर बॉक्स तो देख के आते हैं फटाफट एंड देखते हैं कि क्या बोलते हैं एंड कैसा है। तो अभी वहीं पे जा रहे हैं कबाड़ी मार्केट वापस, बेरमपुरा वाला। यहाँ पे बोला कि गियर बॉक्स है, चलो चेक कर लेते हैं। इतना सामान पड़ा है यार, बट अपन को जो चाहिए वो नहीं है, अपने को चाहिए था गियर बॉक्स वो नहीं है। यहाँ पे गियर बॉक्स है बट उसका क्लच बॉक्स नहीं है साथ में ना। अभी देखते हैं कि गियर बॉक्स कैसा है, बट ये भाई नमाज पढ़ने गए, बस आते ही अपन देखेंगे कि क्या सामान है कैसा है। ये ना इस गियर बॉक्स ने परेशान करके रख दिया है, दिमाग की क्या माका नाका चाका कर दिया है। जितना गियर बॉक्स का पैसा नहीं होगा ना इतना पेट्रोल लगा लिया। हाँ देखो ये वाला गियर बॉक्स। तो गाइस यहाँ पे हमने जो देखा गियर बॉक्स, उसमें क्लच बॉक्स साथ में नहीं है एंड गियर बॉक्स बहुत पुराना है। तो अभी एक ही हमारे पास रास्ता है कि बोटाद। आनंद भाई को बोला हुआ है, आनंद भाई मुझे कॉल कर रहे हैं, देखते हैं क्या होगा क्या नहीं, आपको बताते हैं। तो अभी जाएंगे बाहर, कुछ प्लानिंग करेंगे। तो गाइस दो से तीन बार कबाड़ी में घूमे बट जो हमको चाहिए था वो नहीं मिला। बस बढ़िया, कहाँ से हो आप? नहीं यहाँ से, बैरमपुर। ओके ओके। और एक बात की दो दिन पूरा मार्केट बंद है, अभी भी सामान मिलना थोड़ा मुश्किल है बट चलो कोई नहीं ढूंढेंगे। तो गाइस अभी 6 बज चुके हैं एंड आपने देखा कि हम पूरा मार्केट घूमे थे, अहमदाबाद में जितना भी कबाड़ी मार्केट है, जितना भी नया मार्केट है, सब जगह पे हम घूमे। मतलब सामान तो पड़ा है बट छुट्टी है दो तीन दिन, इसके लिए सामान आज नहीं मिला। तो चलो कोई नहीं, बोटा भी हमने कॉल किया आनंद भाई को, आनंद भाई भी सेटिंग कर रहे, अभी देखते हैं कि कितना टाइम में हमको मिलेगा गियर बॉक्स एंड कब अपन अपना काम स्टार्ट करेंगे। देखो अपनी गाड़ी पीछे ही पड़ी है, कैसे हो? अच्छे 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 हो, और छोटे राजा? अच्छे। तो अभी 7 बजे हुए, अभी हमने आनंद भाई को बोला कि हमको गियर बॉक्स चाहिए, तो आनंद भाई ने बोला कि 100% यहाँ पे ही बनता है, यहाँ पे मिल जाएगा बट उसके लिए आपको एक दो दिन वेट करना पड़ेगा क्योंकि अभी क्या है कि मार्केट पूरा बंद है, अभी छुट्टी का माहौल है इसके लिए। बट हमने जो प्रोजेक्ट खोल के रखा है वो तो ख़त्म करना ही पड़ेगा कुछ भी करके। तो दो दिन क्या करें, दो दिन तक वेट तो नहीं कर सकते। अभी क्या है कि अभी मेरा माइंड ना काम नहीं कर रहा है, पूरा दिन घुमा हूँ नहीं मिला है एंड अभी सोच रहा हूँ कि क्या करूँ। मतलब मेरे प्रोजेक्ट में कोई भी चीज़ इतनी आसानी से मिलती नहीं है, खींचे हमारी बहुत करनी पड़ती है तभी मिलती है, बट मिल जाएगी वो तो मुझे पता है। कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है कि नहीं मिलेगी, सब चीज़ मिलती है बट टाइम होता है कि ये टाइम पे मिलेगी क्योंकि अभी मार्केट बंद है तो लाना मुश्किल है। तो बस गाइस आज के लिए इतना ही, अभी कल सोचते हैं, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।